सालासर बालाजी सेवा समिति भिवाड़ी के तत्वाधान में शरद पूर्णिमा महोत्सव सुंदरकांड पाठ एवं संगतमीय भजन संध्या अर्धरात्रि तक धूमधाम से संपन्न हुआ। सुंदरकांड पाठ का शुभारंभ मुख्य अतिथि एस के गोयल, मैनेजिंग डायरेक्टर राजस्थान नील उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एवं उनके परिवार ने पूजा अर्चना कर की। तत्पश्चात फतेहपुर सीकरी से आए सुंदरकांड पाठ वाचक एवं भजन गायक अशोक भारद्वाज एवं उनकी पार्टी ने मंत्रोच्चारण से शुरुआत कर संगीत में पाठ एवं भजन संध्या का शुभारंभ कर अर्धरात्रि तक बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। सुंदरकांड पाठ के माध्यम से भक्तों द्वारा राम जी और हनुमान जी के जयकारों से अशोक वाटिका गूंज उठी। वृंदावन से आए गुरुदेव अमृत देव महाराजा एवं राम की पावन धरा अयोध्या से आए संत हरि नारायण महाराज का संस्था द्वारा सादर सत्कार किया गया। इस मौके पर संतों ने शरद पूर्णिमा के विशेष महत्व के बारे में बताया कि शरद पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अश्विनी महीने में पूरे चांद के दिन मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा को कौमुदी त्यौहार के तौर पर भी मनाया जाता है। ये बाबा का सुंदरकांड पाठ है, ये हर शरद पूर्णिमा पे किया जाता है और सालों से सेवा समिति के सारे सदस्यों की समिति से ये कार्यक्रम। मेरा आज इस कार्यक्रम में शामिल होने का पहला सौभाग्य है, क्योंकि मैं गुड़गांव रहता हूँ, इच्छा होते हुए भी रात को समय नहीं दे पाता, लेकिन मेरे श्रद्धा भाव जो यहाँ सालासर महाराज की टीम है, मैं सालासर मंदिर हर महीने जाता हूँ और इसकी टीम का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। इनकी जो भावना काम करने की है, लोगों को जोड़ने की है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो मेरा सौभाग्य है कि टीम ने मुझे बुलाया और मैं आज यहाँ टाइम दे सका, इसके लिए मैं टीम का धन्यवाद करूँगा। थैंक यू। आप कितने सालों से जुड़े हुए हैं? संस्थापक मेंबर हूँ मैं इस संस्था का, डे वन से इस अपने सालासर सेवा का सदस्य हूँ और हम 25 सदस्य इसके सब सेवक हैं। हमारा अध्यक्ष ट्रेजरर सेक्रेटरी सिर्फ एक नाम का थरथना होता है, लेकिन सब दिल भाव से सेवा करते हैं सब। और भी कोई कार्यक्रम करते हैं? हर साल हनुमान जयंती पर अक्सर अप्रैल में आती है, उस समय एक इसका बाबा का महोत्सव होता है अपने भजन बलि का, और निर्जला एकादशी पर एक मीठे नमकीन अपने नींबू जीरा इस सभी के प्याऊ हम लगाते हैं सभी को पिलाने के लिए। और भी कोई मौके आते हैं, जैसे सरकारी हॉस्पिटल में फल बांटना या और कोई गरीब आदमी की सेवा करना। हम एक हमारी संस्था जो है दुखरा रहे जरूरतमंद लोगों के सेवा के लिए आगे हमेशा रहती है। जय श्री राम। हमारी श्री सालासर बालाजी सेवा समिति के तत्वाधान में ये 5वां सुंदरकांड सम्मेलन होने जा रहा है। इसमें शरद पूर्णिमा को ही मनाया जाता है और इसमें रात्रि 12 बजे बाद जो है खीर का प्रसाद वितरण होता है, जो चंद्रमा की रोशनी में मतलब नहाया हुआ होता है, जिससे लोगों के बड़े कष्ट दूर होते हैं। और संस्था को आज हमारी जो है विशाल जागरण भी होता आ रहा है, 11 साल से हमारी संस्था हर कार्यक्रम में और में सब में जुड़ी हुई है। इस बालाजी महाराज का हम सब पे आशीर्वाद है कि हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं और चला रहे हैं और जैसा भी हमसे बनता है हम समाज सेवा कर रहे हैं। बहुत अच्छा। आनंद अग्रवाल, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि प्रभु हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे और जो हमसे बन पाए वो करवाता रहे। थैंक यू। ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए, आस्था के में विश्वास और विश्वास में आस्था रखने के लिए आज के युग में बहुत जरूरी है। मैं इस सारा समिति को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम करते रहे और समय समय पर ऐसे आयोजन होते रहने से लोगों का मोटिवेशन भी मिलता है, भगवान में आस्था भी होती है, विश्वास होता है। जो है हम सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया है श्री सालासर बालाजी सेवा समिति द्वारा और पिछले करीब 6 वर्ष से जो है हम 5-6 वर्ष से हम जो है इस प्रोग्राम को यहाँ कर रहे हैं।
ये रात को 12 बजे तक चलेगा। और आज की जो पूर्णिमा का बड़ा महत्व है कि आज की पूर्णिमा में जो है जो खीर है उस खीर का प्रसाद एक अमृत तुल्य है, इसलिए जो है रात को 12 बजे उस खीर का वितरण किया जाएगा। और ख़ास तौर से इस शरद पूर्णिमा पर एक देसी दवाई भी वितरित की जाती जो खीर में जो है डालकर खाई जाती है, उससे जिसको अस्थमा है उसको उस रोग में बहुत जो है फायदा होता है। तो दवाई भी आई हुई है, जो अस्थमा रोगी है उनको हम दवाई भी देते हैं।